हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अन अकेडमी। लेट्स क्रैक राइटिंग एग्जाम्स विद अन अकेडमी, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रॉम हियर यू कैन चूज सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी आर बिलो, यू कैन फाइंड योर एजुकेटर फ्रॉम दिस लिस्ट। टू गेट सब्सक्रिप्शन व्हाट हैव यू टू डू, यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर एंड Search an Academy Learning app, install it and create your account. After creating your account, go to subscription and choose any plan from this list. यहाँ इस इंटरफेस में आपको कई कई महीने के अलग अलग मंथ के आपको प्लान दे रखे हैं और आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप 12 मंथ या 24 मंथ मिनिमम लें, क्योंकि पैसे में बहुत ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। 12 मंथ आपको पड़ रहा है 7000 में और 24 मंथ पड़ रहा है आपको 8400 में। उसमें भी इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइव रॉइड प्रोमो कोड तो आपको यही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको यहाँ डेली क्लासेस मिलेंगे, कोई भी दिन यहाँ मिस नहीं होता है। लाइव टेस्ट क्विजेस आपको यहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ मिलता है, जितनी बार चाहो उतनी बार अनलिमिटेड आपको एक्सेस यहाँ मिलेगा। एक बार आप कोर्स लेने के बाद किसी भी एजुकेटर की आप क्लास ले सकते हो अपने कोर्स में। इज दैट क्लियर? कितनी भी बार आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर यहाँ हो सकती है। इज दैट क्लियर? और होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉयड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। आई हैव टॉट इन मेनी रिनाउंड इंस्टीट्यूट। माय ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस सो दैट लर्नर्स मे मेक द ग्रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यू ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी का। और वोकैबुलरी में हम पढ़ते हैं सबसे पहले वर्ड और उसके बाद उसका मीनिंग और उसको उसको कैसे याद करना है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, जितने भी पात्र हम काम मिलेंगे सब काल्पनिक होंगे। विजुअलाइजेशन मेथड से अपन ये सारे शब्द याद करेंगे, सिनोनिम भी हम याद करेंगे इसमें, है ना। तो पहला वर्ड है आपका क्लेफ्ट, और ये कहता है कि चार लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था। चार लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था। सी को बुरा लगा, उसने ग्रुप को लेफ्ट किया। जैसे उसने ग्रुप लेफ्ट किया, उनके बीच में पड़ गई दरार। उनके बीच में पड़ गई, बोलो दरार। तो बताइए, जब सी को बी के लेफ्ट में भी रख दोगे तो बी और डी जब पास पास आ जाएंगे तो उन दोनों के बीच में भी क्या पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी। आया ना? यानी अन ओपनिंग मेड बाई स्प्लिटिंग। तो दो, जब मतलब आपने देखा होगा ना, मकान जो बनते हैं उनके बीच में बोले तो दीवार में एक तरेल सी चल जाती है, उसे कहते हैं दरार। आप यही देख लो, बोले तो एक जब मतलब बारिश नहीं आती है, जमीन सूख जाती है, तो इस तरह से उसमें दरार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपका दरार, ये नाउन है आपका क्लेफ्ट। तो रिप्ट, अपन इसको एक FISUR ये भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं जरा सुनो, अपन इसको कैसे कह सकते हैं? ये कह रहा है कि मैं श्योर हूं कि फिश के शरीर में दरार है। तो FIS से बन रहा है बोलो फिश, पर SURE से बन रहा है श्योर, और यहां SRU से इसको अगर जल्दबाजी में देखोगे तो शरीर। मैं श्योर हूं कि इस मछली के शरीर में ना दरार है, कहीं ना कहीं इस मछली के अंदर बोले तो कोई ना कोई सुराख हो रखा है। आई एम श्योर, बोलो है ना। फ्रैक्चर भी कह सकते हो, बोले तो जब कोई टूट कर जाता है तो उसके शरीर में फ्रैक्चर आ जाता है। आपने सुना होगा क्या, बोले तो उसके शरीर में फ्रैक्चर आ गया। तो FRACTURE, बोले तो फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर बोले तो हड्डी में जब आ जाता है तो एक तरह से दरार ही पड़ जाती है, टूट जाती है। तो हाँ है ना। तो आप उसको ब्रीच भी कह सकते हो, बोले तो ब्रीच आ गया। हाँ है ना, हम लोगों के बीच में दरार पड़ गई है, तो टाइम पे नहीं पहुंचा तो हमारे और बोले तो उसके बीच में दरार पहुंच गई। तो हम कह सकते हैं, तो इसको मुझे कलर को पीला लेना पड़ेगा, येलो। तो बी बोले तो बिपासा, रीच बोले तो टाइम पर नहीं पहुंची, तो मेरी और उसके बीच में पड़ गई बोलो क्या दरार। तो बिपासा ना टाइम पे नहीं पहुंची। आई एम श्योर फिशर के फिश के शरीर में ना कोई दरार या सुराख है यार, उसको फ्रैक्चर आ गया, सुराख आ गया उसकी हड्डी में। बोले तो बिपासा, टाइम पर रीच नहीं हुई, पहुंची नहीं, तो मेरा उसके साथ में ना अपर्चर, बोले तो मेरे और उसके बीच में अपर्चर हो गया। आया ना।
देखिए आप आगे भाई, यहां आपके सामने ये एक तो हो गया फ्रैक्चर और एक हो गया ब्रीच, एक हो गया रिप्ट, आया ना रिप्ट, बोले तो आर आई एफ टी, और इसमें तो आप एल मान लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक तो बन जाएगा, मान लो ना यार, प्लीज मानो रे एक बार, तो रिफ्ट को लिफ्ट मान लो, और उसने मुझे लिफ्ट नहीं दी, मेरी उससे दरार बढ़ गई, मैं यार परेशान हो रहा था रस्ते में, मेरा दोस्त निकल के गया था, मैंने उसे लिफ्ट मांगी, दी नहीं, तो मेरी उससे क्या दरार हो गई, आया ना, बोले तो अपर्चर, अपर्चर डिपार्चर, बोले तो टाइम पर अगर नहीं पहुंचा ना तो तेरे मेरे बीच में ना अपर्चर हो जाएगा, डिपार्चर टाइम पर हो जाना ना तेरे मेरे बीच में अपर्चर हो जाएगा, बोले तो अपर्चर हो जाएगा, बोले तो क्या कहना चाह रहा है, अरे तेरे मेरे बीच में दरार पड़ जाएगी यार, तू समझ नहीं रहा, इसलिए डिपार्चर टाइम पे, अदरवाइज देयर विल बी अपर्चर, भैया आप बकस हमें, हम पहुंच जाएंगे टाइम पर, इतना मत गुस्सा हो, तो फिर ठीक है ना, तो क्यों मस्ती अब मार रहा है यहां। अगला वर्ड ले लो, अगला वर्ड है कोलोशन, जानते हैं आप, देखिए भाई सीधी सी बात है, कॉलोनी में इस साल ना विशाल प्रोग्राम करने का मेरा विचार, इस साल विशाल प्रोग्राम करने का मेरा विचार है, तो सी ओ एल ओ से बन रहा है कॉलोनी, और डबल एस ए एल, और इस साल डबल एस ए एल से इस साल पूरा बन रहा है, पर कॉलोनी में इस साल मैं प्रोग्राम करूंगा बहुत विशाल, बोलो हाया ना, तो कॉलोनी में कैसा प्रोग्राम अपन करने वाले बच्चों, विशाल दीर्घकाय, बहुत बड़ा प्रकांड, उसमें विद्वान आएंगे, हाया ना, बहुत चमत्कार पूर्ण काम करने वाले हैं हम, ऐसा, वेरी गुड बेटा, तो इसके पहले सेंस तो बता दो, मीनिंग कितने कितने हो सकते हैं, देख भाई जो विशाल है ना वो दीर्घकाय भी हो सकता है, बोलो गुरुजी हो सकता है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बोलो गुरुजी हो सकता है, भाई बात तो एक ही है, जो विशाल है वो दीर्घकाय है, बहुत बड़ा है, और क्या हो सकता है, अरे भाई साहब प्रकांड, विद्वान किसे कहते हैं, प्रकांड, बोलो बहुत बड़ा, बोलो मान लिया महाराज, एक और होता है भैया, बोलो क्या, बहुत भारी, गुरुजी ये भी मान लिया भाई, मानेगा कैसे नहीं, एक और होता है इसका क्या, अति विशाल, अरे गुरुजी एक बार बता दो कि आप हमें हिंदी के या पर्यायवाची पढ़ा रहे हो या फिर अंग्रेजी के पढ़ा रहे हो, तो मैंने बोला बच्चा सुन, बोलो क्या गुरुजी, अगर हिंदी के ये सारे मतलब तुझे एक बार पता चल जाएंगे, हाया ना, तो क्या है कि चीजों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल वी आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहानी स्टार्ट होगी सिनोनिम से, हाया ना, तो इसको चारों तरफ से आप समझो, कई बार फायदा आ जाता है, जैसे असभ्य आया था, एक असिस्ट आया था, तो असभ्य असिस्ट आपको एक जैसा समझ में आ गया, तो बोले तो आराम से उसको कर लोगे, बोलो हाया ना। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के उस पर, तो अब मैं आपसे एक एक पूछूंगा और आप तैयार हैं, आई एम श्योर, एक एक सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा, बोलो तैयार हैं कि नहीं आप, आया ना। पहला ये है जाइगेंटिक, जी आई और जी ए एन टी आई, बोले तो जाइगेंटिक, तो गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, जाइगेंटिक का, जेंटिक नहीं गेंटिक, जाइगेंटिक का, तो यार देख इसको अगर हम प्रोनंसिएशन के आधार पे लेके जाएंगे ना, तो ये अपन को ना परेशान करेगा, तो गुरुजी कैसे परेशान करेगा ये, जायजेंटिक, गायजेंटिक, पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ेगा इसको, तो एक काम करो जी आई से जी वो बनाओ ना आप हिंदी वाला, और जी जो है जी से जय और ऐसे बोले तो आया ना, तो जी तो ये बन गया आपका जीजा, पर हमारे जो जीजा जी है ना, आया ना, हमारे जो जीजाजी हैं उनकी जो आंटी है ना, उनकी आंटी को देख के लगता है बहुत ही विशाल है, तो जीजाजी की आंटी देख करके बहुत विशाल लगता है, हाया ना। अब देखो इसके प्रोनंसिएशन के आधार पे जाओगे तो मामला कैसे गड़बड़ाएगा, प्रोनंसिएशन क्या है इसका, जाय गैंटिक, वैसे तो छोटी की मात्रा आएगी, जाय गैंटिक, ये जाय गैंटिक है, और ये मतलब बैठेगा नहीं उस हिसाब से, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सकल सूरत से ही तो अपन को याद करना है, तो जीजाजी की आंटी को देख के लगता है बड़ी विशाल है, साफ प्रकांड विद्वान है, बहुत भारी है, तो अब समझ में आ गया, जो जीजाजी की आंटी बहुत भारी है, बहुत दीर्घकाय, बहुत बड़ी है, प्रकांड विद्वान भी है, गुरु जी हमें ना हंसाना नहीं है आपको, बस आप बिना हंसाए हमें पढ़ाओ। एक और वर्ड बताओ यार, मैं वर्ड तो आपको बता दूं लेकिन एक कंडीशन है, बोलो पूछो क्या, जब तक तुम हंसोगे नहीं ना, है ना,
जब तक हंसोगे नहीं पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो एक वर्ड तो आपको याद हो गया, इसलिए जहां बैठो वहां हंसते रहो, तभी जाकर के हम लोगों को इसको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए एक और ले लेते हैं। भाई साहब पेन चेंज हो जा, हो जा, टक 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 टक, कौन सा लेना है? पीला। और एक दिन मैंने देखा एक मैम की मौत हो गई। साहब मैम मौत, मैंने देखा एक मैम की मौत हो गई। वो छोटी मोटी बात नहीं थी, वो बहुत विशाल थी। या फिर एक बहुत विशाल मैम की मौत हुई, या एक मैम की मौत हो गई, वो बहुत ही विशाल बड़ी बात थी। आया ना, बहुत वास्ट थी, बहुत वास्ट थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो गुरुजी याद तो हो गया ये भी हमें, चले तो होगा कैसे नहीं। तुम्हें पता है एक है ना टाइटेनिक हुआ करता था, टाइटेनिक जहाज का नाम सुना है? टाइटैनिक बोले तो वो बहुत विशाल जहाज था, तो इसका टाइटैनिक भी है। अरे वाह गुरुजी मजा आ गया। और चढ़ाओ बेटा, इसका एक टावरिंग भी होता है, बोले तो टावर की तरफ देखना। जब टावर की तरफ देखेगा ना, वो जो टावर होते हैं एयरटेल वगैरह के, वो बहुत ही विशाल होते हैं। गुरुजी मजा आ गया। अरे आएगा कैसे नहीं, तू तो देखता चल, है ना। तो जीजा जी की आंटी भी विशाल है, मैम की मौत हो गई, वो मैम भी बहुत विशाल थी, टावर भी विशाल है, टाइटैनिक भी विशाल है। अरे गुरुजी और भी है क्या? अरे यार माउंटेनियस भी तो विशाल होता है। अरे गुरुजी अब बात समझ में आ गई, माउंटेन जो होते हैं MOUNTAIN, माउंटेन ही हम उस चीज को कहते हैं जो बहुत विशाल हो, OUS। अरे गुरुजी ये भी हमें याद हो गया। और गुरुजी अरे तो जायंट जानते हो, जायंट इसको भी तो अपन बहुत विशाल कहते हैं गुरुजी। अरे गुरुजी एक VAST बहुत बड़ा सिलेबस है, हम कहते हैं कि नहीं वास्ट। अरे गुरुजी आज तो दिल ही जीत लिया। बोले कैसे? अरे एक मॉन्स्टर भी होता है, मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर था वो भी बहुत विशाल था। अरे गुरुजी आ गया आनंद, बहुत है इतना, ज्यादा कराओगे तो भूल जाएंगे। नहीं बेटा मैं और कराऊंगा। तो गुरुजी कौन सा रह गया? एक और रह गया बेटा, इनॉर्मस। इंग्लैंड वाले लोगों के बजाय हम जो नॉर्मल लोग हैं ना, NOR, राइट, इंग्लैंड और USA के लोगों के बजाय हम जो नॉर्मल लोग हैं वो ज्यादा विशाल हृदय रखते हैं। हमारा जो हृदय, हमारा जो दिल है वो ज्यादा विशाल है। बोलो हाँ या ना। तो सब लोग अभी कमेंट करके मुझे बताओ, आई एम जस्ट वेटिंग। मैं और भी आपको इसमें याद कराऊंगा, इमेंस भी आपको मैं याद कराऊंगा। तो एक रह गया इमेंस और एक हो गया इमॉर्मस, पहले हम इनको सबको लिखेंगे। तो आपकी मैं स्लाइड से मिटा रहा हूं। अब मुझे तुरंत बिना देखे जो मैंने अभी आपको बताए थे वो सब लोग फटाफट कॉमेंट करके मुझे बताओ। मैं आपके कॉमेंट देखना चाहता हूं कि आपको कितने लोगों को वो याद हुए। फटाफट कमेंट करो कि इसके क्या क्या मैंने बताए थे, जल्दी से कोशिश करो, फटाफट, चीटिंग नहीं करोगे, पीछे जाके नहीं देखोगे, हाँ या ना, जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा जवाब आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपके कौन कौन से हुए अपन चलिए चर्चा फरमा लेते हैं वापस से। जो जो रह गए मैं उनको साइड टू साइड लिख देता हूं, वन बाई वन। सबसे पहले आपका EN, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, N को, और मुझे वापस से पेन लेना पड़ेगा वाइट, NORM, और अब मुझे वापस से येलो लेना पड़ेगा, और US, OUS। अब ये एक वर्ड बन गया। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? अब इसकी ट्रिक देखो गाइस, EN से बन रहा है इंग्लैंड के लोगों के बजाय, इंग्लैंड के लोगों के बजाय, इंग्लैंड और USA के लोगों के बजाय हम जो लोग हैं, हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल लोग, नॉर्मल नहीं, बहुत विशाल हृदय वाले लोग हैं। तो ये हो गया आपका विशाल, हम विशाल हृदय वाले लोग, एक काम से हो गया। एक और क्या हो सकता है गुरुजी? बोले तो मैं एक और याद करा सकता हूँ बच्चों, ₹5 अगर आप मुझे दो तो। बोले गुरुजी हम 10 दे देंगे, याद कराओ। सुनो पेन तो चेंज करो गुरुजी, बेटा रुक। एक और था जो आपसे रह गया था, EIM, इमरान एक ऐसा मैन है, इमरान एक ऐसा मैन है जो बाकी के मैन से, जो बाकी के मैन से, इमरान एक ऐसा मैन है जो बाकी के मैन से विशाल है, मैन से विशाल है साहब।
नॉर्मल लोगों के बजाय यूएसए के लोग विशाल होते हैं, या यूएसए लोगों के बजाय हम नॉर्मल लोग ज्यादा विशाल होते हैं? आपने सुना है ना? एक और वर्ड मैंने आपको छोड़ दिया आज भाई साहब, पूछो कौन सा? ये खुले में जो रखा हुआ है, देखो तो सही, गर्गेंचुअन। अरे भाई साहब, ये याद कराओ गुरु जी, भाई तो बहुत भारी वर्ड है। तुम वर्ड भारी होगा तो क्या हुआ, आप लोगों से बड़ा थोड़ी है गुरु जी। GARG से बना, आप गर्ग साहब बनाओ इसको, बना लिया साहब। और ANT हाया ना, और TUAN, तो आंटी और ताऊ दो बन रहे हैं इसमें, आंटी और ताऊ। बोले तो गर्ग जी की जो आंटी और ताऊ हैं वो भी विशाल हैं, मैम की मौत हुई वो भी विशाल थी, हाँ या ना? जी जा जी की आंटी भी विशाल है, गर्ग साहब की आंटी भी विकास। तो यहाँ जो ANT यहाँ बन रहा है ना, आंटी, तो आराम से बनाओ इसको, फील करो, गर्ग साहब की आंटी बड़ी विशाल है, गर्ग साहब की आंटी बड़ी विशाल है, हाँ या ना? जी जा जी की आंटी विशाल है, गर्ग साहब की आंटी विशाल है। इमरान हाशमी से बाकी के मैन विशाल हैं, नॉर्मल लोगों की वजह से ये हो गया आपके सामने, आया ना? वेरी लार्ज, बिग, टावरिंग, वावरिंग, ये सब मैंने आपको याद करा दिया भाई साहब। अब ये मत बोलना भाई साहब कि याद नहीं हो रहे, मैं बहुत मेहनत करा रहा हूं आपको एक एक चीज, आया ना? चलिए एक हो गया, मैं वैसे आप चाहो तो लिख लेता हूं, इनॉर्मस हो गया, इमेंस हो गया, आया ना? कॉलोशल आपका हो गया, मैम मौत हो गया, एक बार मैम मौत हो गया, मैम की मौत हो गई, बहुत विशाल बात हुई। एक टावरिंग हो गया, TWER-ING, टावरिंग हो गया, आया ना? एक हो गया टावरिंग हो गया, और एक क्या हो गया, एक टावरिंग हो गया था, और एक और बहुत अच्छा था, मुझे याद नहीं आ रहा, टाइटेनिक है ना, टाइटेनिक हो गया, टाइटेनिक। अब ये देखो, ये टाइटेनिक है, ये टैप है, उल्टा सुलटा बन गया। अब बच्चे गाली नहीं देंगे मेरे को, गुरु जी लिखना ही नहीं आता आपको। टाइटेनिक, एक ये बन गया, और क्या बना गुरु जी? टाइटेनिक बन गया। मैम मौत हो गया, मैम मौत तो लिख दो, लिख दिया गुरु जी। और इमेंस लिख दिया, इमेंस लिख दिया, बोलो लिख दिया। टाइटेनिक, यही तो इम्पोर्टेंट थे, बाकी तो ये मॉन्स्टर भी आप लिख सकते हो, मॉन्स्टर हो गया, मेघा हो गया, मेघा सेमिनार होगा, विशाल सेमिनार होगा, बोलो हाँ या ना? ये भी आपका हो सकता है। चलिए ज्यादा नहीं गुरु जी, बम्फर, बोले तो ये सुना है, BUMPER, बम्पर प्राइज निकलेगी, विशाल प्राइज निकलेगी, बम्पर धमाका, आया ना? ये भी आपने सुना होगा। VAST, वास्ट भी आपने सुना होगा, आया ना? बिग आपका ये इसमें हो ही जाएगा, बिग बोले तो विशाल। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। वेरी लार्ज भी आप इसको आराम से समझो, है ना? बोले तो जाइंट मैन, बोले तो ये भी आपका इसमें है, ये आया ना? माउंटेन वाला इसमें था, MOUN, MOUNTAINOUS, माउंटेनस, है ना? ये MOUN है ये, इसको कुछ और ओंगा पोंगा मत समझ लेना। तो ये आपका कोलोशल हो गया भाई साहब। चलिए अगला वर्ड, अगला वर्ड ले लेते हैं। बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे, बढ़ गया। कमयूपंस, अब ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है कमयूपंस? मैं देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, कमयूपंस यहां इसको COM जो आप देख रहे हो ना, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, आप नाराज तो नहीं हो रहे हो ना? COM से बन रहा है कम, और UP से बन रहा है यूपी, है ना? और PAN से बन रहा है, बोलो, पान। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैं यूपी से बिना पान खाए आ गया, कम बोले तो आया, यूपी से, मैं यूपी से आया, बोले तो, लेकिन वहां का पान नहीं खाया। आज मुझे इस चीज का बड़ा पश्चाताप है। और दूसरा नियम वहां का क्या है, अगर आप यूपी आओगे और बिना पान खाके जाओगे तो आपको दिया जाएगा, बोलो, दंड। ये बड़ा डरावना था, ड्यू टू पान नहीं खाया, आया ना? इसलिए आपको रेट्रीब्यूशन, बोले तो दंड दिया जाएगा, आपको फटकारा जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये बड़ा अत्याचार है? अत्याचार नहीं है यार, पनिशमेंट कौन देता है? रिट्रीब्यूशन, री,
ट्री, ब्यूशन है ना, री बोले तो वापस, ट्रीब्यूशन बोले तो अगर आपने वापस से है ना ट्री, तो यहां इसका थोड़ा ट्रिक बनाना पोंगा पोंगा मतलब है, वो ज्यादा आपको स्ट्राइक करेगा नहीं, लेकिन फिर भी पहले अपन इसको फ्री कर लेते कम यूपर्स को। तो आपको क्या ये समझ में आ गया, सी ओ एम कम यूपी से पान खाए बिना आओगे तो आपको दंड दिया जाएगा। और इसका ये बेचारा है बड़ी मुश्किल से, इसका ये एक तो डी यू ई भी इसका निकल के आ रहा है सिनोनिम, और एक ये निकल के आ रहा है रेटरी है ना, रेटरी, और ये है ब्यूशन। अब इसका क्या सेंस निकल सकता है रेट्रीब्यूशन की, कोई ट्रिक बताओ बच्चों, मैं खुद भूल गया इसकी क्या है, मैं सोच रहा हूं कि आप बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा, पश्चाताप का हाँ है ना। मैं तो यही कहूंगा भैया डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं किया, रिट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अब आपको, बोले तो ढंग से या तो डिस्ट्रीब्यूट करो आप चीजों को आया ना, नहीं तो आपको भैया मैं रिट्रीब्यूशन करूंगा भाई आया ना, बोला बोलो आपको बोले तो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन यू विल बी गिवन रिट्रीब्यूशन, बिकॉज आप ना तो कम बोले तो यूपी से पान खा के आए हो, पर वहां का ये सिद्धांत भी है कि यूपी से पान खाए बिना आओगे तो आपको दंड दिया जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए कंसील, कंसील कन बोले तो कौन, और सील, सील तो आप जानते होंगे जैसे सील वो पेपर आते हैं एग्जाम वगैरह में, तो वो मतलब वहां से ऑलरेडी जैसे गवर्नमेंट के जैसे टेंथ क्लास के बोर्ड के या एसएससी एसएससी के जो पेपर आते हैं वो सील पैक आते हैं आया ना, तो सील से उन उनको छिपाया जाता है। तो सील क्या काम आती है, ताकि सील की वजह से ओरिजिनल कंटेंट को छिपाया जा सके, हाइड किया जा सके। कंसील बोले तो वो उसका एक मास्क होता है, भैया कौन सी चीज है जिससे सील लगा के छिपाया जाता है आया ना, तो या फिर कौन के अंदर, कौन के अंदर आइसक्रीम को सील करके छिपा देते हैं, मानना पड़ेगा आपको। तो भैया ऐसे भी कह सकते हो, कौन सी चीज है जिसको सील करके छिपाया जाता है, तो गुरुजी याद हो गया तो इतने में ही बोले तो हाँ होना ही था, टू हाइड और कीप सीक्रेट, एक ही बात है भाई, टू हाइड या कीप सीक्रेट, छिपा लो या ढक लो या गुप्त रख लो या पर्दा कर लो, एक ही तो चीज है। तो गुरु जी कौन कौन से सेंस हो गए, देखो छिपाना हो गया, बोलो हो गया, आप किसी चीज को ढक रहे हो वो भी एक ही बात है, किसी चीज को गुप्त रख रहे हो, गुप्त रखना ऑब्वियसली पेपर को गुप्त रखा जाता है तो भी वही चीज है, मान ली गुरु जी, पर्दा करना बोलो गुरु जी ये भी मान लिया, तो पर्दा करके चेहरे को ढका जाता है, तो ये एक ही चीज है। अब इसके सिनोनिम पर चर्चा फरमाएंगे हम, सिनोनिम पर चर्चा अगर हम करेंगे तो कवर तो इसका हो ही जाएगा, कोई भी चीज आपने कवर कर दी, पेन चेंज कर लो महाराज, थोड़ा सा उंगा पोंगा लग रहा है ना, कवर कर लिया, किसी चीज को आपने हाइड किया जैसा कि आपने बताया, मास्क हम जो पहनते हैं वो अपने मुंह को छिपाने के लिए, वायरस से कोरोना से बचने के लिए आया ना, ठीक है। सीक्रेट का भी मतलब वही होता है, कोई चीज सीक्रेट कर दी आपने, बोलो हाँ या ना, स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग क्या आ रही है। और क्या क्या हो सकता है, कवर हो ही गया हाँ या ना, और एक और होता है, ओबामा अपने स्कोर को हमेशा ऑब्स्क्योर, अरे यार स्पेलिंग ही गलत हो गई, मिटानी पड़ेगी, लिखता क्या हूं, लिख क्या जाता है, ये मेरे साथ ही होता है आपके साथ में ये भी होता है, तो ओ बी ओबामा हमेशा जब भी कोई भी स्कोर करता है, स्क्यूअर जब भी कोई स्कोर करता है वो छिपाता नहीं, हमेशा लोगों को बताता है, यानी कि छिपाना नहीं होता ओबामा स्कोर कि उसका क्या स्कोर रहा है, वो कभी नहीं छुपाता, सीक्रेट नहीं रखता हाँ या ना। तो एक सीक्रेट ये होता है और एक सीक्रेट ये होता है, दोनों ही स्पेलिंग आपके सामने है, बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो ये हो गया आपका आज का आनंद आया ना भैया, अगर आपको बचना है ना, ब्रेकअप ना हो किसी से, तो भैया एक काम करना,
सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से 60-50 हजार रुपए उधार ले लेना, राइट ना? क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने आज मुझे ट्रिक बताई थी कि मैंने यार 3 साल हो गए मुझे, मैंने है ना 50 हजार रुपए गर्लफ्रेंड से उधार ले रखे, आज तक उसने ब्रेकअप का नाम नहीं लिया। सबसे अच्छी बात है। चलिए बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।